सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल टॉप से। टुडे में आज हम डिस्कस करने वाले भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से स्टॉक में देखें तो आज के दिन 13 रुपए 35 पैसे की गिरावट देखने को मिली और ये स्टॉक 7% से भी ऊपर की गिरावट दिखाता हुआ नजर आ रहा है। आज के दिन बाजार में देखें तो काफी बड़े सभी स्टॉकों में ज्यादातर ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। सेम ऐसे इस स्टॉक में भी देखने को मिला है, लगभग स्टॉक ऊपरी लेवल पर 7% की गिरावट दिखा चुका है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पर ट्रेड करके रखना चाहिए। सबसे पहले अगर हम टेक्निकल्स पर ध्यान दें तो पीछे के 1 सप्ताह के अंदर इस स्टॉक में साढ़े 3% की गिरावट देखने को मिली है, परंतु 1 महीने में 20% की तेजी, 3 महीने में 35%, 6 महीने के अंदर 96% और 1 साल में 104% के रिटर्न्स देखने को मिले हैं। तो लॉन्ग टर्म में तो इस स्टॉक में एक बड़ी तेजी बनती हुई नजर आई, परंतु शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक के ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक का चार्ट पैटर्न भी देखें तो स्टॉक में एक रुकावट रेंज बनती हुई नजर आ रही है 187 रुपीज। 187 रुपीज के स्टॉक में एक टॉप लगा ऊपरी लेवल पर। पीछे के 2 दिनों से स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहेगा, जहां पर आज के दिन स्टॉक में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब स्टॉक का नीचे का देखें तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 148 रुपीज। 148 रुपीज पर स्टॉक का नीचे का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, पर यहाँ से स्टॉक काफी ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो जो दूसरा स्टॉक का एक फ्रेश सपोर्ट लेवल है वो 164 रुपीज पर बन रहेगा। 164 रुपीज पर इस पॉइंट पर स्टॉक में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। तो अगर आप इस स्टॉक में एक पोजिशन बनाना चाहते हैं तो 164 रुपीज के एक इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के टारगेट अराउंड 220 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।